हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि का संसार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये छोले बॉईल हो गए हैं, दिखा रही हूँ मैं आपको दबा के कि जब तक अच्छे से बॉईल हो जाते हैं उनको तभी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च अदरक को लिया है और तेज पत्ता आज थोड़े अलग तरीके से बना रही हूँ। तो तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च और ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, ये सारी चीज़ों को मैं इसी में पीस लूँगी। गरम मसाले की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी छोले बने थे। तो बस यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो बस यहाँ पे मैंने हींग जीरा डाल दिया है। तो हींग डाल दिया, उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया है और बस इसके बाद में मैंने हल्दी पाउडर डाल के और ये हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, टमाटर पीसे थे तो वो इसमें डाल देती हूँ और बस हल्के से मैं चमचे से चला देती हूँ। बाकी के मसाले भी बाद में डालूँगी। और मैं कभी कभी अलग अलग तरीके से बनाती रहती हूँ छोले। इस बार मैंने ये खड़े मसाले डाल के बनाए तो ये बहुत ही अच्छे बने थे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ इसमें मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये मसाले भुनेंगे ना, जब तक धीरे धीरे भुनते रहेंगे ये। और थोड़े से धनिया ज़्यादा डाले थे मैंने। अगर आप लोग प्याज खाते हो तो प्याज ज़रूर डालिएगा, टमाटर से पहले प्याज डाल के फिर टमाटर डालना। तो बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं छोले। इधर ये चाय की, ये पानी इसमें डालूँगी ना, चाय की पत्ती का पानी, पोटली भी आप डाल सकते हो। तो बस वही यहाँ पे बॉईल कर लिया है मैंने। वैसे पहले मैं पोटली बना के उबलते में डालती थी, लेकिन इस बार मैंने ये अलग से उबाल लिया, तो पानी को डाल दूँगी और इसको अच्छे से भुनने देती हूँ मैं। और थोड़ा सा इसमें पानी था तो टमाटर जो पीसा था ना उसमें मिक्सर में, वो भी थोड़ा सा डाल दिया। तो जब तक ये थोड़ा पानी डाल देते हैं तो अच्छे से पक जाते हैं धीरे से, और जब तक ये अच्छे से पकने जाते तब तक इनका अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता। तो मैं अच्छे से पका लेती हूँ जब तक इनका ऑयल अलग नहीं होता तब तक। तो मसाला देख सकते हो अच्छे से भुन गया था मेरा। तो बस यहाँ में जो बॉयल करके छोले रखे थे ना वो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और छोले हमेशा रात को ही मैं भिगो देती हूँ, जो रात में अच्छे से फूल जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो पानी बॉईल किया था हमने चाय की पत्ती का, वो भी डाल दिया है। और ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर, और ज़रूरत हो तो पानी डाल दो, नहीं ज़रूरत हो तो चाय की पत्ती का पानी ही डाल सकती हो। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और फिर इस सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है, देख सकते हो। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं छोले। यहाँ पर चावल बना रही हूँ क्योंकि थोड़े चावल भी ज़रूरी होते हैं। तो बस मैं बना रही हूँ आज भटूरे। तो बस यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैदा लेने थोड़ा सा इसमें रवा डाला है और रवा डालने से बहुत अच्छे बनते हैं भटूरे। थोड़ा सा ऑयल डाला है, नमक भी नमक डाला है, तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला था मैंने इसमें। और इन सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है और फिर ये सारी चीज़ें दही डाल के मिला लूँगी मैं। ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें लेती जाऊँगी, हमें ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है। और बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं इस तरीके से मैं बनाती हूँ, फूलने की फुल गारंटी है आप मेरे तरीके से बनाओगे तो। और इसको मैं 2-3 घंटे रख देंगे तो जितना टाइम हो तो अच्छा रहता है ना, 2 घंटे रख देंगे 1 घंटा तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा देर रख देते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। और ज़्यादा गीला नहीं करना है इसको, ना ज़्यादा टाइट रखना है। नॉर्मली आटा इसको, मैदा को लगा के रख देती हूँ मैं। तो बस मेरी मैदा लग गई थी, मैंने उसको ढक के बंद करके रख दिया है 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं बूंदी का रायता। दही मैं घर में ही बनाती हूँ हमेशा, तो ये इसमें दही था तो इसको मैंने फेंट लिया है और ये तड़के की तैयारी कर रही हूँ मैं। और बूंदी मैंने घर में ही बना ली थी, मार्केट की बूंदी थी वो मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हींग, और हींग थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा हींग से फ्लेवर आता है रायते में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा और थोड़ी सी डाल दूँगी लाल मिर्ची कलर वाली बस, और इसमें लगा दूँगी मैं तड़का। और ये बूंदी डाल दी है मैंने, घर पे बनाई थी अभी।
कितना अच्छा दिख रहा है ना रायता, बहुत ही टेस्टी बना था रायता। तो इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, काला नमक भी डाल दिया था, सफ़ेद नमक काला नमक ज़रूर डाल दी हूँ रायते में मैं। तो बस इसको बना के फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो 2 घंटे हो गए थे, तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ भटूरे, और मुझे आज गणेश जी को भोग लगाना है भटूरे का। तो वैसे जब हम आरती करते हैं तो हम मीठा कुछ भोग लगा देते हैं आरती के टाइम पे, और फिर हम उनके लिए डिनर में ये बना रही हूँ मैं भटूरे। देख सकते हो कितना अच्छा फूल आया ना भटूरा, इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छे फूलते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फूलने की फुल गारंटी है मेरे भटूरे की, और छोले बहुत टेस्टी बने थे, और रायता भी बनाया था हमने। तो बस इसी तरीके सारे भटूरे बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे ये मैंने पेड़े बनाए थे, रायता है बूंदी का, और ये है छोले, और ये है सलाद, और ये है भटूरे। तो बस अभी मैं भोग लगा देती हूँ गणेश जी के लिए, बनाए मैंने सारी चीज़। तो बस आ गई थी मैं उनके पास, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ भोग। आरती पहले ही कर दी थी हमने।